राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। मेरी कल की वीडियो में रजनी जी का मैसेज आया था, कलेजे में सूजन की दिक्कत है उनकी सिस्टर को, पिछले 3 सालों से वो बता रही थी। तो उन्होंने मुझे एक तो जो मैं मेरे अकॉर्डिंग सीधा उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, 3 साल से कलेजे में सूजन है और दर्द महसूस हो रहा है। तो मैं तो जितना मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं, यदि वो सिम्टम्स उन्हें मैच कर रहे हैं तो जो मैं सिम्टम्स अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो कीजिए, उससे आराम आ जाएगा। यदि नहीं तो मुझे थोड़ा कमेंट में क्लियर करें कि 3 साल पहले एक तो उनकी एज बताएं और क्या उनको शरीर में कौन सी दिक्कत हुई थी। ज़रूर हुई होगी, चाहे तेज़ाब ही क्यों ना बना हो, बुखार ही क्यों ना हुआ हो, उसके बाद ये दिक्कत स्टार्ट हुई है, तो मुझे मेंशन ज़रूर करें। बाकी मेरे अकॉर्डिंगली सभी सिम्टम्स का मैं उपचार बता रही हूँ, यदि उनमें से सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो आप वो उपचार करें। पहला, धरण हो सकता है, नाभि खिसक सकती है, ये वात बढ़ने की वजह से होता है। मैंने आपको बताया पेट के अंदर नाभि जो है सेंटर में रहती है, हवा वात होती है, हवा जो बिगड़ती है तो नाभि अपनी साइड चेंज कर लेती है, तो ये तो रहता है कारण, तो नाभि हो सकती है। नाभि के लिए धरण का मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप वॉच कीजिए और उपचार कीजिए। इसमें आपको पैरों की मसाज ज़रूर करनी है, पूरे पैरों की, अच्छे से सरसों का तेल लगाइए, अच्छे से उनकी मसाज कीजिए। उसके बाद किसी और से आप पैरों से पैर दबवाइए, हर साइड से टखनों के चारों ओर सरसों के तेल की मसाज कीजिए। एडी के बैक साइड में हड्डी है, वो ऊपर पट तक आप दबाते हुए लाइए, तो इससे आपको धरण में आराम मिलेगा। नौकासन करना है, टाइम से खाना खाना है। तो ये तो रही धरण की बात। यदि आप चेक करेंगे नाभि के बीच में, आप बिल्कुल ऐसे हाथ रख के देखिए, वहाँ पे आपको धड़कन महसूस हो रही है तो आपकी नाभि सही है। वहाँ पर यदि खालीपन है, धड़कन नहीं महसूस हो रही, तो आपकी नाभि खिसकी हुई है। आप इसका अच्छे से उपचार करें और ये आपको जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है कम से कम 1 वीक तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो चुका है, ये हो सकता है। दूसरा कारण तेज़ाब बताया मैंने आपको, तेज़ाब भी बहुत ज़्यादा तेज़ बनने की वजह से कलेजे में सूजन हो सकती है, या लगातार उनको गैस या तेज़ाब रह रहा हो जिसकी वजह से कलेजे में भारीपन और सूजन महसूस हो सकती है। तो आप गैस और तेज़ाब का वीडियो देखिए, पूरा डाइट फॉलो कीजिए, जो दवाइयाँ बताई है वो लें, उनसे आराम आएगा। तीसरा, यदि उन्हें बुखार हुआ है 3 साल पहले कोई तरह का जुकाम और बुखार, उसमें उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया है और उसके बाद उन्हें भूख लगना कम हुई है और साथ के साथ ये हल्की हल्की सूजन और ये दिक्कत उनकी स्टार्ट हुई है, तो इसके लिए आपको 15 दिन तक तो गिलोय काट के कूट के उबाल के गुनगुनी रहने पे मसल के छान के पीनी है। बाद में 1.5 महीने तक केवल गर्म पानी में कूट के मसल के छान के गुनगुनी रहने पे पीनी है, इससे आपको आराम मिलेगा। तो तीसरे दिन बिल्कुल पता चल जाए, क्योंकि रोग पुराना हो चुका है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, कोई गर्म ठंडा नुकसान कुछ नहीं करेगा, ये करके देखें आप। यदि इससे भी नहीं समझ आ रहा भी क्या और हो सकता है, तो एक ट्रीटमेंट और करें आप। इसमें आप ये ट्रीटमेंट आप 3 दिन करना है। यदि आपको 3 साल पुराना है और 5-10% भी आराम महसूस हो रहा है तो इसे कंटिन्यू करें, गारंटी से ठीक होगा। करना क्या है, दोनों टाइम जब भी वो खाना खाएं, आपको दोनों टाइम लेना है। इसलिए जो तीनों चीज़ मैंने आपको लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में, कोई छोटे इलायची जो मामजस्ता होता है उसमें कूटिए, निचोड़िए, 1.5 चम्मच रस 250 ml रूम टेम्परेचर पानी में मिलाकर, कांच के गिलास का पानी लेना है, स्टील में पानी नहीं लेना, क्योंकि ये जूस कई देर तक रहते हैं तो रिएक्ट करते हैं, खाना खाते हैं उसमें 10-15 मिनट का टाइम लगता है। तो एक एक सिप, एक एक घूट आपको खाने के बीच बीच में, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे हम छाछ लेते हैं वैसे आपको ये पानी पीना है खाने के बीच में, दोनों टाइम लेना है, कोई गर्म ठंडा नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा।
आराम आपको बोल रही हूँ पहले दिन से ही मिलेगा। यदि तीन दिन में आपको 5, 10, 15, 20 कुछ भी परसेंट एज आराम है तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। कितने दिन करें तो कंटिन्यू आपको करना तो 5 साल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके रोग कम से कम 3 महीने कीजिए। कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आराम आएगा, हल्कापन लगेगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। मेरे अकॉर्डिंग उनका ये रोग जो मैंने बताए हैं सिम्टम और उपचार, इससे ठीक हो जाना चाहिए। यदि इससे भी आपको नहीं आराम आ रहा है तो फिर से कमेंट करना और मुझे प्रॉपर एज और आप कारण ज़रूर बताएं भी ऐसा क्या हुआ था, और थोड़ा उनका रूटीन बताएं। जो मैं रूटीन बता रही हूँ वो फॉलो करें, जैसे खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, सुबह भी शाम को भी खाना खाएं तो पहले 1 प्लेट सैलेड फिर खाना खाएं, दोपहर में फ्रूट ज़रूर लें, दूध गर्म ना लें, खाने के साथ ना लें, 2 बजे के बाद छाछ दही ना लें। बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनको फॉलो करें जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो आशा करती हूँ और भगवान से दुआ भी करती हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ ये समस्या, और इनमें से जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने उपाय बताए हैं ज़रूर करना। कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताया जो गर्म ठंडा करे, आपके शरीर को सूट ना करे। एक एज ज़रूर बताना आप मुझे मेंशन करके। ये जो मैंने डोज बताई है ये एक व्यसक के लिए बताई है जो कि 14 साल से ऊपर हो, और यदि वो बच्ची है तो आप उन्हें डोज फिर जो जूस की मैंने बताई है लहसुन प्याज अदरक की, अकॉर्डिंग टू एज आप सेट कर लें। 1 महीने के लिए 1 बूंद है तीनों चीज़ का। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा वीडियो, और आप ज़रूर ट्राई करना, और मुझे यदि नहीं आराम है तो प्रॉपर कारण और एज ज़रूर मेंशन करना, फिर मैं आपको आगे का ट्रीटमेंट बता पाऊँगी। और बाकी सभी भी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई और भी उन्हें जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताएं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपको बेस्ट से बेस्ट मेरा देने का। चलो थैंक यू।